Hello everyone, welcome to Swiflam. Now Swiflam is going to present special edition for parents. Now आप सोच रहे होंगे कि ये अभी तक तो बच्चों के लिए वीडियोस करते थे, अब पेरेंट्स के लिए क्यों? See, हमें इतना पता है कि अगर हमारे बच्चों को हमें खुश रखना है, you know, Swiflam के students को, we have to give that immense happiness is to give their parents a lot of happiness and lot of deep, deep, deep insights about their own life, about their own problems, own challenges और अपना खुद का सफर. तो Swiflam की एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा जज्बा है जिसके लिए हमने ये सीरीज को लॉन्च किया है, जिसका पहला एपिसोड आज आपके साथ आपके सामने आने वाला है. इस सीरीज का हमने बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा नाम दिया, ख्वाहिशें. ख्वाहिशें आपके और हमारे दरमियान, कुछ आपकी ख्वाहिशें, कुछ हमारी ख्वाहिशें. तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस छोटी सी पहल से, छोटी सी कोशिश पसंद आई और आप इस ख्वाहिशों का हिस्सा बन पाएंगे. और अगर आपको लगता है कि आप इसका हिस्सा बन पाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई थिंक वी आर सो हैप्पी टू डू दिस. आई मीन दिस वाज समथिंग हम कब से, यू नो, वी वर अबाउट टू डू इट नाउ देन वी फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, ये हमें करना है. बिकॉज अगर आप खुश रहोगे तभी हमारे बच्चे खुश रहेंगे और ये आपकी वजह से हम हैं. Swiflam के जो स्टूडेंट्स हैं, यू नो, यू हैव गिवन सो मच टू अस, सो मच, एंड वी थॉट कि वी शुड पे यू बैक. तो एक छोटी सी कोशिश है, तो चलते हैं इस ख्वाहिशों के सफर में. ओके, सो पहला टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे इज सेल्फ केयर इजंट सेल्फिश. सेल्फ केयर, ये शब्द इतना खूबसूरत है, खुद के बारे में केयर करना, खुद के बारे में सोचना. बट यू नो, जब हम बचपन में थे, टीनेज में थे या इवन अडल्टहुड, वी यूज टू, यू नो, लव अस, यू नो, वी यूज टू केयर अबाउट अस. और वो सेल्फ केयर तो इट वॉज लाइक अ मोस्ट फेवरेट थिंग. लेकिन यू नो, एज सून एज वी स्टेप्ड इनटू पेरेंटहुड, जैसे ही हम माँ बाप बनते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ देते हैं. तो ये कहानी, ये ख्वाहिश ट्रिब्यूट है उन पेरेंट्स को जो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए. तो खुद के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी होता है. और जैसे ही हम खुद के बारे में सोचते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आई एम सेल्फिश, मैं ऐसे नहीं सोच सकते, या हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच सकते. वी ऑलवेज हैव दैट गिल्ट एंड द गिल्ट इज टेकिंग अस नोवेयर. सो वी विल ट्राई एंड मूव टुवर्ड्स समथिंग, यू नो, शायद 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 थोड़ी सी खुशी आप तक पहुंच जाए, यहां से शुरू होकर वो जज्बात आप तक पहुंच जाए. तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि जब भी हम चाइल्डहुड में वापस जाते हैं या बच्चों के साथ अपना बचपन दोबारा जीते हैं, हम हमेशा बात करते हैं, यू नो, बचपन में ऐसा होता था, वी यूज्ड टू गेट रियली एक्साइटेड बाय टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड, राइट? तो वहां से बढ़ते हैं आगे उस सफर की ओर. एक छोटी सी ट्रिब्यूट, एक छोटी सी पोएम, आई थिंक टू स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स. यू नो, वी हैव सो मच टू ऑफर फॉर फादर्स एज वेल, तो प्लीज निराश ना हो. बट ये छोटी सी ट्रिब्यूट उन मदर्स के लिए है, यू नो, जो कहीं ना कहीं अपने बचपन को मिस करते हैं. हम सोचते हैं ऑब्वियसली हम वापस नहीं जा सकते, बट एक छोटी सी ट्रिब्यूट है. होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, यू नो, ऑलवेज यू कैन update us, you know, you can give us valuable feedback, definitely. Okay, so I'll recite this. I hope I'll do justice, you know, and it is like really, really, you know, inside, like seedha soul se aaya hai. So, umeed hai aap tak pahunche. To my younger self, I know we can never meet. Jo beet gaya usse nahi mil sakta. Nor can we bear those tiny skirts which once were our favorite. Although somehow we bear it, but you know, the school-going thing we really miss. No combination of letter can express how much we miss you. My heart is melting like a volcano, gushing out all emotions. My soul wants to get back. You owe me. You owe me time, and forever will be indebted.
come back, please. I wish she could have come back. For we wish to become a small girl, going back to our childhood days and relive our girlhood another time. So I know how important and special this is, but बचपन को जिया जा सकता है, उस बच्चे को हमेशा अपने अंदर अलाइव रखा जा सकता है. नो मैटर यू नो योर मदर ऑफ 1, 2, 3, दैट डजंट मैटर, यू नो दे कैन नॉट स्टॉप यू टू स्माइल. फिर से खुश हो सकते हैं, फिर से यू नो वी कैन डू दोस क्रेजी स्टफ, फिर से हम कुछ भी कर सकते हैं विदाउट द फेयर ऑफ यू नो बींग जज्ड और विदाउट दिस गिल्ट. हाउ वी कैन बी सेल्फिश, कि खुद के बारे में कैसे सोच सकते. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. आई होप एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू अपलॉड यू नो मदर्स हु आर एक्चुअली यू नो फॉलोइंग इट, हु आर एक्चुअली लिविंग द लाइफ लाइक एनी थिंग, हु आर नीलिंग इट, हु आर किलिंग इट. हैट्स ऑफ टू यू एंड टू ऑल दोज मदर्स एंड पेरेंट्स हु थिंक दैट यू नो थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इज नॉट योर कप ऑफ टी एनी मोर, इट इज योर कप ऑफ टी. खुश रहने का हक सबको है और आपके बच्चों से ज्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता आपको कुछ देख के, तो उनके लिए तो एक मुस्कुराहट बनती है. तो चलिए कुछ दिल की गुफ्तगू करते हैं. तो क्या क्या गुफ्तगू हम करने वाले हैं उसका थोड़ा सा छोटी सी झलक यहाँ दे देती हूँ. When is the good time to start? We'll also discuss about self-love. Balancing family is the most important crucial part and magical results. चाय पे चर्चा, राइट? तो स्टॉप फीलिंग गिल्टी एंड गेट एक्साइटेड टू टेक योर ओन मिनी वेल्टल वेकेशन. चाय पीना, कॉफी पीना, यू नो नो मैटर यू आर अ कॉफी लवर, यू आर अ चाय लवर, यू आर अ ग्रीन टी लवर, यू आर अ रेड वाइन लवर, व्हाट एवर इट इज, चाय पे हमेशा चर्चा कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं. एंड प्लीज स्टॉप फीलिंग गिल्टी एंड गेट एक्साइटेड टू टेक योर ओन मिनी मेंटल वेकेशन, राइट? Staycated, right? We all are like at our place and you know staycation is going on, but still wo mental vacation bahut zaruri hai kyunki physically to obviously abhi nahi ja sakte, but mentally calm down ho sakte hai, you know, life ko ek alag jazbaat, ek alag nazariya de sakte hai. So have your cup and you can do it, you can really do it, trust me. I really believe कि when I can do it, anybody in the universe can do it. हम सब कर सकते हैं. Okay, so now coming to super multitasking parents, overgiving parents, right? कभी नहीं नहीं बोलते, never says no कि मैं नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों के लिए you know we'll do, we'll work day and night, but we will do, we will ensure कि हम उनके लिए करें, सब कुछ करें. Gets really exhausted. थक जाते हैं लेकिन बच्चों को फिर भी यू नो वी गिव वी गिव वी गिव वी ओवर गिव, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज रेडी टू गिव. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट स्पेसिफिकली कल्चर ऑफ इंडिया इज, राइट? एंड फाइंड हैप्पीनेस इन अदर्स हैप्पीनेस, राइट? एंड अदर्स इज ऑब्वियसली एवरीवन इन द फैमिली, नॉट जस्ट योर यू नो ओन चिल्ड्रन बट योर पेरेंट्स, एवरीवन, एवरीवन. सो let's see and proceed. So okay, now it's very important point. Let's talk about statistics. And you won't believe, right? Jab aap yahan pe nahi mana karte, you know, you're not saying no and you're getting exhausted till death. Har din khud ko aur push kar rahe ho ki nahi, main kar sakti hu, main kar lunga, hum kar sakte, hum parents hain, hame karna chahiye, ye hamari responsibility, aapki responsibility hai, bilkul hai. But इस तरह से स्ट्रगल करके ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. यू नो दिस इज स्टैटिस्टिक्स एंड यू नो 43% ऑफ पेरेंट्स लाइक स्पेशली मदर्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, अनहेल्दी वेट गेन लॉस, एक्सट्रीम फैटीग, इंसॉम्निया, माइग्रेन्स. आई गेट सिक ऑल द टाइम एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? वेर यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस डेटा, इट इज नॉट वेरी सपोर्टिव, इट इज नॉट वेरी सपोर्टिव. प्लीज be happy, it's your life, you have the right to live it for you, obviously. और बच्चे कभी भी आपको दुखी देख के तो कुछ नहीं रहने वाले, आप कितना भी दे दो उन्हें. Oh yes, when is the good time to start? ये एक अच्छा सवाल है. कब शुरू कर सकते हो? अभी कर सकते हो, आज कर सकते हो. अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे. तो
कर लो, प्लीज करो, प्लीज करो. एंड यू नो दिस फैमिली इज ऑलवेज समथिंग, यू नो वी ऑल आर बेस्ट टू हैव इट राइट. और ये सबकी खुशी से बनती है, सिर्फ बच्चों की खुशी से नहीं बनेगी, आपकी खुशी से भी बनेगी. ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शुड बी हैप्पी राइट. We tend to do a lot of work throughout the day, and especially mothers. Matlab, you know, even if we are working, even we are homemaker, adjusting to the pressure it causes. As time passes, the pressure increases with it, right? And when we realize, जब हमें लगता है अब हम और ज़्यादा handle नहीं कर पाएंगे, and it's really too late. I am doing my household chores, I'm managing babies, I'm doing household responsibilities, I'm cooking food for everyone, I'm doing so much, and I'm still like, you know, I can do more. And but when जब मुझे realize होता है कि अब ज़्यादा हो गया है. I am absolutely exhausted. और हमें लगता है कि you know, kind of वो जो गुस्सा है, जो anxiety है, या जो pressure है, वो कहीं ना कहीं फिर बच्चों पे निकलता है. कहीं ना कहीं you know, we express our distress over our children. So, do you think it is right to go through this much and at the end you you know, kind of suffer? No, really no. गुस्ताख दिल. तो दिल तो गुस्ताख है. आप रिफ्लेक्ट करो थोड़ा सा कि ये प्रेशर किसकी वजह से आया आप पर, क्यों आया, किसकी वजह से ये प्रेशर आया, ये किसका डिसीजन था, ये फैसला किसका था इस सिचुएशन से एडजस्ट करने का कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी और मैं मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड फाइनली व्हेन डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट केयरिंग फॉर योरसेल्फ. और फाइनली आपको क्या लगता है कि कब वो सही वक्त आएगा, वो सही पल आएगा जब आप एक्चुअली अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, अपने बारे में केयर करना शुरू करोगे. तो दिल गुस्ताख है लेकिन दिल की सुन लेनी चाहिए कभी कभी, यू नो. इसी का दबाव आप पर नहीं हो सकता जब तक आप खुद से वो चीजें लेना बंद ना कर दो. तो प्रेशर किसी और की वजह से नहीं आया, आपके खुद की वजह से आया, खुद की वजह से. यू हैव टू एंश्योर कि वो प्रेशर यहाँ पहुंचने से पहले उसे यही रोक लो. एंड यू नो मेंटेन दैट बैलेंस इन लाइफ. वो बैलेंस बहुत जरूरी, बहुत 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 जरूरी है. सेल्फ लव मीन दिस इज समथिंग बहुत 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 खूबसूरत शब्द है, खुद से प्यार करना. एंड यू नो दिस फेमस कोट, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते. तो खुद से प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर वुमेन. हर दिन यू नो उठो, यू नो हैव your cup of tea or you know whatever, just say I love you, you're so special, you know, no matter you how unique you are or how indifferent you are, anything, but you are special. Love yourself, love that moment, you know, and you should feel proud of you. Even if you're a homemaker, hats off to you. I mean, nobody in the world can beat that. You are doing so much. You are doing so much. Taking care of everyone in the house is not easy. You are working, definitely, then also it's not easy. So each role is celebrated equally, right? There is a striking difference between ideal life and reality, right? So जो हम सोचते हैं कि हमारी life होनी चाहिए और जो हमारी life है, उसमें बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है. You know, you should make your list, self-care plan बनाओ अपना. खुद का कैसे ध्यान रखूंगी मैं? अभी कुछ लोग you know audience सोच रही होगी plan, अपना ध्यान रखने के लिए कौन plan बनाते हैं? Really, really. अब एक हुई कि उसको follow करके देखो, आपको difference पता चलेगा. Let's analyze दोनों, ठीक है? चलो मेरे साथ इसको analyze करते हैं. Ideal और reality, दोनों situation में कितना difference है? उनो सिचुएशन में अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो तो यू नो आइडियल आपका होता है बेसिकली यू नो आई वांट टू एक्सरसाइज, आई वांट टू वर्क ऑन माय स्ट्रेस, अपने बच्चों पे हमें ध्यान देना है, ट्रैवल करना है, अपनी हॉबीज पे ध्यान देना है, अपने पार्टनर पे ध्यान देना है, फ्रेंडशिप्स पे ध्यान देना है, अपीयरेंस पे ध्यान देना है और काम पे ध्यान देना है, राइट? रियलिटी सबसे ज्यादा काम पे हमारा टाइम जाता है. Household work, whatever it is, I mean, whatever, even if managing maids or anything, it requires a lot of responsibility. Then homemaking, then your kids, then slightly your partner's hobbies, the parents, followed by last what comes is exercise and stress reduction. You're not taking care of you, right? You're not taking care of you. Your travel, your experiences are like this list mein sabse low. तो ये सब आइडियल और रियलिटी आप खुद बना सकते हैं. यू कैन डिफाइन इट, यू कैन रीडिफाइन इट, यू कैन अगेन डिफाइन इट, एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग इट जब जैसे जरूरत लगती है. यू कैन डू दैट, राइट? तो इस लिस्ट को
यू कैन अब्सॉर्ब एंड प्लीज मेक अ सेल्फ केयर प्लान ऑफ योर ओन. जहां यू नो इट इज नॉट अबाउट जस्ट यू, इट्स अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट ऑल ऑफ यू, एवरीवन. Checklist. Now you should also have this checklist in the self-care plan. Put your healthcare on the calendar. Stay connected to yourself. You know, you can maintain your personal journal or diary. जो लगता है जैसा लगता है उसे लिखो. अगर हम अपने emotions को शब्दों में articulate करके जब लिखते हैं ना, तो उस तार से, वो जो शब्द, वो जो emotion है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं. तो वो आप जरूर कर सकते हैं. मेंटेन अ गुड स्लीप साइकिल, अच्छे से सो, यू नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड फूड फ्यूल्स फॉर योर बॉडी. सो मेक श्योर यू ईट एंड ड्रिंक हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू एज मदर्स कि मैं बाद में खा लूंगी, यू नो, पहले सबको खिला देती हूँ या फिर अब बेबी को फीड कर देती हूँ. बट इट्स इंपॉर्टेंट, जितना उनके लिए खाना जरूरी है उतना ही आपके लिए खाना जरूरी है. सो डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट सैक्रिफाइस विद योर फूड, प्लीज. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल वुमेन हुज वाचिंग दिस. आई मीन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बिकॉज यू नो गॉड हैज लाइक सेंड यू हियर विद सो मेनी स्पेशल पावर्स. और उस स्पेशल पावर्स को फुलफिल करने के लिए एनर्जाइज रहना पड़ेगा, राइट? ओके, सस्पेंड सम क्वालिटी टाइम. और क्वालिटी टाइम, फन टाइम तभी हो सकता है जब आप रिलैक्स रहोगे, यू आर हाइड्रेटेड, यू आर हैप्पी. एंड प्लीज पैम्पर योरसेल्फ वंस इन अ व्हाइल, यू नो, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज रियली मस्ट. एक्सरसाइज, मेडिटेट, डू ज़ुम्बा, योगा, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. This should be your checklist. This should be your checklist. And now you have to promise me that at least we'll try to pick few of these. Ideally, ये सब करना चाहिए, बट किसी से तो शुरू करो. सो आई एम होपिंग कि यू नो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चेकलिस्ट जरूर शेयर करो कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे, राइट? तो आई हैव नो रॉकेट साइंस इन इट, बट दिस इज ऑल यू नो माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 10 years, यू नो, लीडिंग डिफरेंट कंपनीज, वर्किंग विद लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स. दिस इज समथिंग विच आई हैव रियलाइज, एंड एज अ मदर इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, जस्ट ड्रास्टिकली चेंज योर लाइफ टू ब्रिंग इट बैक ऑन द ट्रैक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. Best results, calm. जब बहुत गुस्सा आता है, you know, you're angry, और वो बहुत होता है, calm down. चार words का शब्द है, लेकिन if you, you know, actually practically इसको implement करते हो, तो यहाँ से optimistic हो जाते हो आप. कुछ भी बुरा हो रहा है, सोचो कि नहीं, it's okay, you know, all will get well soon, सब ठीक हो जाएगा. Optimistic हो जाओ वहां से. ऑप्टिमिस्टिक हो, लगेगा नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यू नो, आई एम पॉजिटिव, आई एम होपफुल. एनर्जी मिलेगा वहां से, बहुत एनर्जाइज फील करोगे. और अगर एनर्जाइज फील करोगे, खुश फील करोगे, काम फील करोगे, कंपोस्ट फील करोगे, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो बनता है, मतलब वो तो एक्चुअली इनकलकेट हो जाएगा. और इतना अच्छे से इनकलकेट होगा कि आपका लाइफ स्टाइल पूरा हेल्दी हो जाएगा. और ये सब होने से आप मोर एंगेज होगे सोशली, यू नो, यू विल बी हैप्पी, यू विल कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स, आई मीन योर, यू नो, own children and everybody around. So there will be something social which will be very, very important. Most importantly, never stop inspiring the universe with your super, super, super power. You all are so special. Aap sab itne special ho, itne khoobsurat ho, to kyun? Khud pe dhyan dena, it's not being selfish. Main fir se yehi baat baar baar bol rahi hu. Us guilt ko apne andar jagah mat do. उस फीलिंग को, उस इमोशन को, यू नो, बड़ा मत होने दो. और इट्स द राइट टाइम, प्लीज डू इट राइट नाउ. यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. सो दिस इज अगेन वन स्मॉल पोएम, यू नो, टू कंसोलिडेट इट, टू एंड इट. यू नो, पीपल विल टेल यू, लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड टेल यू इट वर्क्स दिस वे. लॉट ऑफ पीपल विल कम tell you it works this way, but always remember, they'll tell you what they want you to believe. वो आपको सिर्फ वही बताएंगे जो वो चाहते हैं कि आप यकीन करो. वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आपका यकीन कहाँ है, आपका यकीन किसमें है, और वो कौन होंगे, वो कैसे बताएंगे. खुद के बारे में फैसला, खुद को कौन बेहतर जानता है, खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता, right? Because they are scared. Because inside you there is a power, right? There is a power, एक वो ताकत, एक वो बुलंद हौसला, बुलंद इरादा है, you know, so amazing it is, so lovable it is, so mad it is, so brilliant it is, that it can lead you to infinite happiness, infinite love and infinite peace.
तो डोंट रियली थिंक, यू नो, इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ पीपल विल कम एंड टैग मी दैट आई एम अ सेल्फिश मदर और आई एम अ सेल्फिश पेरेंट. यू नो, बींग अ फादर यू वर्क डे एंड नाइट थिंकिंग दैट यू नो इफ आई नॉट वर्क आई नॉट बी एबल टू यू नो फुलफिल माई चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. डोंट कंपेयर इट टू एनी अनदर पेरेंट और एनी अदर फैमिली, राइट? यू आर स्पेशल, यू हैव योर ओन यूनिक फैमिली एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ, दैट्स योर ब्यूटी. तो please trust you, love each other, stay happy, stay hydrated, and it's very 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 important. So self care isn't really really selfish. Thank you so much for listening to, you know, something which was so special, which is actually so special and which will always remain so special. So big thanks from entire Swiftlearn, you know, to all the parents who have enrolled their students with us. And even if you're not enrolled, to any audience, you know, who's watching this video, this means a lot. This really means a lot. So thank you from the core of my heart. I really, really owe this to you. So if you like this video, you know, if you know, in this entire video, एक पल के लिए भी अगर आपको लगा कि कोई तो बात आपके दिल को छुई है, कुछ तो आप यू नो फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में और उससे कुछ तो बदल सकता है, वो छोटा सा कुछ, यू नो, अगर छोटी सी कोशिश आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बना पाई हो, सो यू नो प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Swiftlearn. And our tagline is we try harder, we really really do. And that's all. Please take care of yourself, stay at your place. Thank you so much, lots of love, goodbye.